हेलो दोस्तों, टेक्निकल आर्मर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुजुकी GS-XR 1000 बाइक का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा, इसको अच्छा कीजिए। ऐसा करने के बाद अपडेट का एक फोल्डर आएगा, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद HCC4 में जाइए, उसके बाद DLC पैक्स, उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मार्स में जाइए, उसके बाद अपडेट HCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्शन किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ GS-XR का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको GTFI DLC पैक्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रीडमी का एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आइटम DLC पैक्स GS-XR आइटम दिख रहा है ना, उसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन अभी को ओपन कीजिए। ओपन ए भी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए, यस। उसके बाद मार्स में जाइए, उसके बाद अपडेट update.rpf कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC List XML का टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन सा भी ट्रेनर यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको मैनुअली टाइप करना होगा। आपको टाइप करना होगा GS-XR, एंटर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो बाइक आ चुकी है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।